12.5x35 की इनकी साइज़ है। रेट की बात करें तो बहुत ही कम है। रेट क्या होने वाला है सबसे आखिरी में बताऊँगा। देखो तो लाइट वगैरह भी चालू कर दी, इसका मतलब ये कि आसपास के 3 मकान बिक चुके हैं और 2 मकान अभी इसमें बाकी है। इन 1, 2, 3, 4, 5 मकान के बीच में एक बोरिंग है, 450 फिट के आसपास का बोरिंग होगा। और पानी की बात करें तो मीठा पानी है। और बहुत मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। 12.5x35 की साइज़ का बढ़िया सी प्लानिंग लेकर के आया हूँ। चलो एंट्रेंस की बात करें तो 5 मकान के एक जैसे एंट्रेंस है। नंबर लिख देंगे आप चुकलाओगे नहीं, ठीक है, नहीं तो पता चले पड़ोसी के घर में घुस रहे हो रात को, ऐसा नहीं होगा। तो एलिवेशन में लेटेस्ट डिज़ाइन के जो पैटर्न आजकल यूज़ हो रहे हैं वो है बढ़िया सी। ये सामने किचन है और एक बाइक आप आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते, एक बाइक है ना, दो नहीं, एक अगर दो करोगे तो फिर अंदर आना जाना नहीं हो पाएगा। ये एक नल टंकी वाला है और एक मोटर वाला है, सारे कनेक्शन यहीं पर है, मीटर वगैरह यहाँ पर लग जाएंगे, सारे स्विचेस यहीं से ऑपरेट हो जाएगा। बढ़िया सी लकड़ी की चौखट का इसमें यूज़ किया हुआ है। दरवाजे की बात करें तो पल्ले हैवी पल्ले हैं और ये चढ़ाओ सीधा टावर पे जाने के लिए, टावर पे चढ़ेंगे लेकिन पहले अंदर का देख लें। रेलिंग स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का वर्क है, टाइल और ग्रेनाइट दोनों मिक्स करके लगाया है। अंदर आएंगे सबसे पहले हॉल देख लो। हॉल में सामने वाली दीवार पर बढ़िया सा वॉलपेपर यूज़ किया है 3D प्रिंट वाला, बहुत अच्छा लग रहा। और POP की बात करें तो बहुत ही कुछ इस प्रकार से अपन को छत में POP देखने को मिल जाएगी। अच्छा पंखे नहीं, ऐसी बात नहीं, पंखे लगा के देंगे आपको, पंखे लगा देंगे, लाइटें सारी लगा देंगे, TV वगैरह लगा के नहीं देंगे, अगर ऑफर में आ गए तो TV भी लगा देंगे है ना। ये अपना अग्निकोण में किचन हो गया। किचन की प्लानिंग सबकी अधिकतर कॉमन रहती है लेकिन हाँ इसमें तान जो है RCC वाली नहीं, पत्थर वाली तान लगा रखी है। सामने एक एग्जॉस्ट फैन के लिए दे रखा है, चिमनी भी है वहाँ लग सकती है। 3x3 की विंडो है और ये कुछ किचन हो गया। यहाँ पर जैसे कि सभी में होता है एक फ्रिज रखने के लिए जगह, नीचे की जगह कुछ इस प्रकार से सफिशियंट है। आराम से एक मॉड्यूलर किचन आप बढ़िया सा बना सकते। POP का वर्क बढ़िया है। अंडर कंस्ट्रक्शन की वीडियो भी मैंने बना दी है, जाके देख लेना कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मकान कैसा रहता है। अब ये आ रहा है अपन OTS, यहाँ पर OTS 3x2 का, जिससे कि लाइट आप देख ही रहे हो कि इधर भी लाइट प्रॉपर है और इधर भी लाइट प्रॉपर है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं। ये अपन रूम में आ रहे हैं, रूम में आ रहे हैं, रूम की साइज थोड़ी सी छोटी है, ये 2, 4, 6, 8, 8.5 फीट का आसपास। अलमीरा इसमें भी बढ़िया, मकान खाली है इसलिए आवाज़ गूंज रही है, ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। POP, ये आपका टॉयलेट हो गया, ये बाथरूम, ये यहाँ पर इंडियन टाइप की टॉयलेट, ऊपर हो गई अपनी छत बढ़िया सी। प्राइस की बात करें तो 21,51,000 रुपये है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले मकान भी हैं जिनके की काम अभी चल रहा है तो वो भी आप देख सकते हो कि भैया कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो रहा है और कैसा है, ठीक है। कंप्लीट भी ये है, इसमें भी आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है, ठीक है। चलते हैं अपन ऊपर देख लेते छत पे कैसे में, ये हो गए चढ़ाओ। बढ़िया सी स्टील ग्लेजिंग है इसमें, ग्लेजिंग का वर्क, लोहे की जाली लगा दी, स्टील की रेलिंग है, ये ग्रेनाइट है और ये है वेट्रीफाइड। आ गए अपन छत पे। यहाँ पर मकान देखो, पहले भी मैंने बताया आपको 2-3 मकान वहाँ पे बने हुए, उनकी वीडियो भी बना दी है। इस कोने पे कॉर्नर का मकान अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, उसकी वीडियो भी बना दी है। सामने 20-40 का प्लॉट है, वहाँ पर अगर प्लॉट चाहिए तो आप प्लॉट का भी बोल सकते हो, प्लॉट भी दिलवा देंगे। गार्डन की बात करें तो लंबा चौड़ा गार्डन है, देखो कितना लंबा गार्डन है वहाँ से लेके वहाँ तक। सामने की बात करें तो वो जो सामने मल्टी दिख रही है वो है नया वाला RTO, उसी के जस्ट पास में उज्जैन से गरोट वाला हाईवे निकला है। तो ये जो एरिया वो सामने जो माता मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माता जी है, ये यहाँ पर गांव आ गया है एक पास में, पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। ये देखो 4-5 मकान अभी कंप्लीट है और 5 मकान का काम अभी वहाँ पर चल रहा है, वो भी पूरब मुखी है और ये भी पूरब मुखी है। टंकी वंकी 1,000 लीटर के प्लास्टिक के टैंक रखा हुआ है, चिमनी वगैरह सब चिमनी, ये नीचे वो गैस पाइप है, ठीक है, ये गैस पाइप हो गया और कुछ इस प्रकार से। तो 21,51,000 12.5x35, जय श्री महाकाल।